मुझसे गलती हो गई कि मैंने बोला स्पाइसी नहीं है। गाइस वो जो मीम है ना मेरे से है मिर्ची आपके लिए कोरियन लैंग्वेज में। आई नो आई हैव बीन टू कोरिया बट दैट टाइम आई वाज नॉट अमिदा अमिदा अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ। अनियांग हसायो वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं कोरियन अटायर में हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू ट्राई कोरियन नूडल्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई नो आई हैव बीन टू कोरिया बट दैट टाइम आई वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट कि किस में क्या है। इन्ग्रीडियंट समझ में ही नहीं आ रही थी बिकॉज दैट वॉज इन कोरियन लैंग्वेज। बट एटलीस्ट मैंने आपके लिए कोरियन लैंग्वेज में हेलो बोला तो सीखा। अनियांग। तो बातें कुछ ज़्यादा हो गई हैं, बिना टाइम वेस्ट के अब हम बनाते हैं नूडल्स। तो कम विद मी। तो ये है नूडल्स जो मैं आज ट्राई करने वाली हूँ। गाइज ये हैं वो नूडल्स, ऊपर लिखा है एकदम लाल और सफ़ेद अक्षरों में सुपर स्पाइसी। और ये हैं नॉन शिम नूडल्स। आई डोंट नो कितना स्पाइसी होने वाला है बिकॉज मैंने आज तक कभी भी कोरियन नूडल्स ट्राई नहीं किए हैं। सो उतना स्पाइसी मैं खाती नहीं हूँ बट मोमोज खा लेती हूँ। मोमोज की चटनी से ज़्यादा स्पाइसी नहीं होने चाहिए बस। सो लेट्स सी। एंड या दिस इज़ अ वेज वन। ये ग्रीन देख के आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मेक इट। अरे अरे आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग कि ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ। यानी कि मुझे दिया गया है एक चैलेंज कि आपको ये कोरियन नूडल्स जो कि सुपर स्पाइसी हैं वो खाने हैं और अकेले पूरा पैकेट ख़त्म करना है। कल मेरी ट्रेनिंग है, आई होप तबीयत ख़राब ना हो। अभी तो मुझे पता नहीं है कि कैसे बनाते हैं तो लेट मी जस्ट रीड। बॉयल 3 कप्स ऑफ वाटर, एड नूडल्स, देन सूप पाउडर एंड फ्लेक्स, कुक फॉर 4-5 मिनट्स एंड रिमूव फ्रॉम हीट एंड सर्व। सो बेसिकली जैसे हम अपना नॉर्मल मैगी बनाते हैं इंडिया वाला, वैसा ही बनाना है। एक इसमें गाइस ये है, दिस इज चिली फ्लेक्स नॉन्गशिम। और ये है वो स्पाइसी वाली जो मैंने बहुत वीडियोस में देखी है। दैट्स इट राइट। एंड दिस इज योर कुछ अलग टाइप के मसाले हैं। स्ट्रांग लग रहे हैं। सो गाइस इस पर लिखा नहीं है कि आप नमक ऐड कीजिए बट मैगी पे भी नहीं लिखा होता है, मैं उसमें तो करती हूँ। सो थोड़ा सा इसमें भी ऐड कर रही हूँ। मिर्ची तो मैं भूल के भी नहीं डालूंगी। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि ये जो मैंने ड्रेस आज पहनी है दिस इज ऑल्सो फ्रॉम कोरिया। तो स्पेशली मैंने इस वीडियो के लिए ये निकाली हुई है। एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन की कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसी लग रही है। गाइस किचन में इतनी गर्मी है देखो, और ये इतना क्यों हिल रहा है ट्राइपॉड? मुझे लगा भूत आ गया। हाँ मैं बोल रही थी दिस वॉज माई ड्रेस फ्रॉम कोरिया। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन की कैसी लग रही है ये। खुशबू से तो अच्छा लग रहा है। एंड
मुझे लग रहा था ये चिकन के चंक्स है, बट आई थिंक दिस इज मशरूम एंड सोया, तो खा के ही पता चलेगा, बिकॉज वेज लिखा है तो पागल तो नहीं बनाएंगे ये लोग। बट सूप खत्म ही नहीं हो रहा है इसका भाई। और गाइस जिसने भी मुझे ये चैलेंज दिया है उसको धन्यवाद हमीदा, क्योंकि हो सकता है ये मिर्ची खा के मेरा जुकाम थोड़ा ठीक हो जाए। खांसी आई नो थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि दिक्कत होगी, खराश हो रही है, बट मैं दवाई खा रही हूँ अभी, काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। सो आई एम जस्ट होपिंग, जैसे मैं गोलगप्पे यूज़ करती हूँ अपना जुकाम ठीक करने के लिए, वैसे ये वाली मिर्ची से काफ़ी फ़र्क पड़ जाए। गाइस ये क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है ड्राई कोकोनट है, जो सूखी गरी बोलते हैं हम लोग, कोपरा एक्चुअली, बट ये नूडल्स में क्या कर रहा है, I don't know what is this. So guys, almost ये तैयार हो गई है, क्योंकि मैं बिल्कुल तो नहीं ड्राई करूंगी, थोड़ा थोड़ा सा सूप रहने दूंगी। And I want to tell you one thing that I have. I know मेरी बेइज्जती ही होने वाली है, because मुझे chopstick से खाना नहीं आता है, मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बहुत गर्व से बोल सकती हूँ ये बात, but still I want to try. ऐसे होता है कुछ। तो ये तो रखूंगी, सेफ साइड के लिए ये भी रखेंगे हम। गाइस मैंने कहीं पे ना ये चॉपस्टिक यूज करना भी देखा था, अभी इस वीडियो के लिए नहीं, आई मीन पहले, कि वो बोलते हैं ये वाली स्टिक जो होती है ना नीचे वाली, ये आप ऐसे पकड़ते हो, और ये वाली ऊपर वाली, नीचे वाली बिल्कुल मूव नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ऊपर वाली ऐसे होनी चाहिए। मेरे से नहीं हो गया यू नो ऐसे, तो हो रही है, सो आई एम यूजिंग दिस, आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू होल्ड। मोए मोए गाइस नहीं हो पा रहा यार, इट इज स्पाइसी बट इट्स नॉट दैट स्पाइसी आई थिंक, बट नूडल्स थोड़ा ऐसा ना स्टिकी स्टिकी टाइप लग रहे हैं, नूडल्स से ज़्यादा ऐसा लग रहा है चावल काइंड ऑफ। धीरे धीरे मिर्ची लग रही है, बट इतना मुझे पता है कि ये पूरा बोल मैं खुद फिनिश कर सकती हूँ। एक्चुअली गर्मी से भी हो रहा है, ज्यादा मिर्ची लग रही है, ज्यादा एक्सक्यूज मार रही हूँ, है मिर्ची। चैलेंज के चक्कर में मैं क्या क्या कर रही हूँ गाइस, और आप होगी मेरे चैनल को बिल्कुल प्यार नहीं दे रहे हो। हाँ चॉपस्टिक से भी रिस्क ले रही हूँ, मेरे कपड़े खराब ना हो जाए, बस भाड़ में जाइए आप प्लीज।
आज पानी पीने के लिए मना नहीं किया था, मैं पानी लेके आती हूँ प्लीज। इसमें मशरूम भी है। मुझसे गलती हो गई कि मैंने बोला स्पाइसी नहीं है। लास्ट 2 चम्मच बचे हैं। गाइस वो जो मीम है ना, मेरे से गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई बात, बस वही हो रहा है मेरे साथ। मेरे मुंह से निकल गया दैट इट इज़ नॉट स्पाइसी, बट इट वॉज स्पाइसी। इसमें तो सूप जो था वो पाउडर वाला था, आई मीन दैट टेस्ट मेकर। अदरवाइज जो मैंने वीडियोस में देखा है वो ऐसे ब्लैक कलर का लिक्विड काइंड ऑफ होता है। अगर ये उतना स्पाइसी था तो वो कितना होगा, बिकॉज उसका रंग ही एकदम काला हो जाता है नूडल्स का। पूरा पानी का बॉटल भर के लाई थी मैं और पूरा खाली कर दिया मैंने। चक्कर आ रहा है मुझे ये खा के। गाइस ये पड़ा है मेरे पास, बट दिस इज ऑल्सो पेपरमिंट, आई डोंट नो, और ज़्यादा तीखा ना लगे। जो लोग मिर्ची कम खाते हैं ना वो ये भी नहीं खा पाएंगे, वो 2x 3x तो भूल ही जाओ। दिस इज नॉर्मल सुपर स्पाइसी दिखा रहा, बट बहुत स्पाइसी है। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का चैलेंज एक्सेप्टेड, आई मीन उस दिन का दिया हुआ चैलेंज एक्सेप्टेड। और खाली है मैंने नूडल्स, बहुत तीखे हैं, बहुत मिर्ची लग रही है। मेरी हालत देख के आपको समझ आ ही रहा होगा। तो अगर ये चैलेंज और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना और वीडियो को थोड़ा प्यार दीजिए। गाइज मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, बट आपको
कुछ फर्क ही नहीं है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर और कोई चैलेंज है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में भी मिर्ची है, जुबान में भी मिर्ची है, इसलिए क्या बोल रही हूँ आई डोंट नो। सो अगर कोई भी चैलेंज आप बताना चाहते हो, मुझे देना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर मेरे लायक वो होगा तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय। अमीदा अमीदा।